ओपीएससी ये सब प्रिपेरेसन करेंगे आज आप लास्ट अलमोस्ट यार समस्त यार प्रिपेरेसन को एंड कर सारे रिविजन भी समस्त सरी जाकर बेसी किसी आप मैथ हो गला रिजनिंग करते टाइम बिकज कालकुलेसन जैसे माइंड रहा तो माइंड फंक्शन से बढ़ो तो रात जमा भी कालकुलेसन किसी करेंगे बिकज आप कल दिन टाक एक्जाम दबार अच्छे सफिसीएंट अमाउंट सफिसीएंट टाइम आप सोई आउ हेल्दी फुड खाई रात जहाँ आप एक्जाम कल भल से आपको डेल आउट करके आसपे जहाँ आप पढ़ी सात आठ मस डेफिनेटली सब जगह रिफ्लेक्ट कर कालीर एक्जाम आदि किसी नेगेटिव कमेंट कौन तो नेगेटिव क्या कहते दूरे की रुहत बिकज ये टाइम क्रुशियल टाइम डीमोटिवेट करके पलिबे से निजर जो दिन पाठ पढ़ी तारी भरोसा रखी बस एक्जाम देते आउ तो आपके किसी हाथ ना ना आप थोड़ा क्वेश्चन अच्छी तो डेफिनेटली ओपीएससी ये सब जहाँ भी आपको क्वेश्चन बनवा आप अलरेडी जितनी सब पढ़ी थे सब तक नलेज कल आप यूज करने जाते हैं आशा करेंगे जिते सब पढ़ी थे जो मैंने डेडिकेशन लेवल बहुत हाई थी तो डेफिनेटली भल स्कोर करके आसेंगे आउ गोटे कथा मन रखिए एक्जाम पेपर जब हार्ड आसा कहली एक्जाम पेपर जब हार्ड आसा तो आप आसबन ओडिशा समस्त पिला आसो कहली ओडिशा सब पिला तो वरी डाक दरकार नहीं एक्जाम पेपर आप समस्त जानते इजी टू मॉडरेट रही है यहाँ समस्त जाना पेपर बहुत ही हार्ड जमा भी आसबन इजी टू मॉडरेट रही है समस्त जाना से अनुसार आप निजर प्रिपेरेसन जो भाया करते से भाया अटेम्प्ट करके पलि आसेंगे आज आप लास्ट रोच लास्ट मॉक टेस्ट रोचे लास्ट क्लास भी रोचे ओपीएससी एस पर मोर लास्ट क्लास आप भाई कौन से क्लास मोर आसो ना तो जो मैंने दिन है मो सहित प्रिपेरेसन करके आसते तो मत फलो कर डेली बेसीस मोर क्लास देखिए आसते तो होप्स यार समस्ते सब किसी यार पढ़ी सारे एक्जाम आशा करेंगे समस्त यार एक्जाम भल करके आसत मत जो मैंने फलो करते कि फलो न करते किसी टेंशन नहीं यार आप एक्जाम भल स्कोर करके पड़ी आसत सिलेक्शन नहीं कि आप फैमिली पाई सिलेक्शन पास नहीं जाते ओके तो लास्ट क्लास रोच तो टेंशन नहीं रात में किसी टिप्स टिप्स मैंने कौन कि जिस कही दे एक्जाम यह करार अच्छे या करार नहीं जो मैंने शुणी चाहिए यार देखिपारे रात मोर भिडियोटा आसीज से टेंशन नहीं आप एक्जाम कमी आप सब तक पेपर को हैंडल करेंगे किसी गोटे आप टिप्स देदेवी जो मैंने फलो कराया रात में मोर भिड आस तो फलो करने तो बहुत किसी कपी सारे पिला वरीड हो सारे ठीक अच्छे डायरेक्ट जी आम क्वेश्चन को डिस्कसन करेंगे आप लास्ट इंग्लिश मॉक टेस्ट अच्छी पचासटा क्वेश्चन अच्छी बट जितनी पारा आम करा बिंदास करेंगे टेंशन जमा ना जितनी आम दे पार से क्वेश्चन मुझे सामने अटेम्प्ट करेंगे ओके एक नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए एक नंबर क्वेश्चन आंसर देखा चेस्टा करते एक नंबर क्वेश्चन आप एडजेक्टिव रोचे तो एडजेक्टिव रही आप कॉन्सेप्ट यूज करने चेस्टा करते आउ गए कहते जो मैं मोर वीडियो स्पीड लगे स्लो करके 0.75x देखने में जो मैंने स्लो लगे स्पीड करके देखने बिकज बहुत पिला आसने यार मोर वीडियो को समस्त स्पीड ही लगुच आउ किसी पिला मोर स्लो लगुच जो मैंने 1.5x रे मो पिला मोर वीडियो देखते जो मैंने रिविजन में अच्छे देखो मो नेचर अच्छे स्पीड से मुझे स्लो करें अलरेडी जानते तो एडजस्ट करने चेस्टा करते ओके सी कहे पीपुल बिलीव दैट द डैश ए थिंग्स ओके जितने मुझे सेंटेन्स पढ़े सेंटेन्स जितने पढ़े मतलब कन्फ्यूज लगेगा बिकज ये डबल पिलर देखिए ओके ये डबल पिलर डायरेक्ट मुझे जी आपर ऑप्शन को एलिमिनेट करने चेस्टा करी ओके ऑप्शन फास्ट कहे मोर कॉस्टली जितने पढ़ा आप जानते कॉस्टली रो कहली कॉस्टली आप कंपेरेटिव डिग्री यूज कराँ कहली कॉस्टली कंपेरेटिव डिग्री यूज करदी आप कॉस्टली कंपेरेटिव डिग्री यूज कराँ आप कौन हम कॉस्टली हम आउ कॉस्टलीएस्ट ही हुए हुए ये आप समस्त जाना तो आप जानते आप मोर के लगे जमी आम गुड आगे के मोर लगू मोर गुड के लगू कि जमा भी भाई लगून ओके तो डेफिनेट आम ऑप्शन ए को काटा सेकेंड कौन मोर कॉस्टली ऑलरेडी यार कंपेरेटिव डिग्री से कॉस्टली लगे तो आम मोर ये लगे कौन से दरकार नहीं पीपुल बिलीव दैट दैट द डैश द कॉस्टलीयर ए थिंग्स जब कौन गोटे थिंग्स कॉस्टलीयर है इज डैश द ड्यूरेबल तो डेफिनेटली तरह कौन हम अधिक ड्यूरेबल हम आप जानते हैं चाइना जिनस बेसी दिन आप रुहे समस्त जाना तो ये आम लगे पार्टी मोर कौन कहली मोर ड्यूरेबल आप लगे पारे कौन कहली मोर ड्यूरेबल लगे ऑप्शन ए भी कटी ए लेस तो लगे नहीं ऑप्शन आप गोटे ऑप्शन सी राइट आंसर था ऑप्शन मो क्या समस्त बुझे कंपेरेटिव डिग्री लगे कंपेरेटिव डिग्री आगे डबल सुपरलेटिव आसबन तो मोर लगे कौन से चांसेस नहीं आउ कॉस्टली तो हुए नहीं आप कंपेरेटिव कॉस्टलीयर हुए यहाँ समस्त जाना था एक नंबर समस्त ऑप्शन सी चूज कर देते नेक्स्ट जाए दुई नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए आंसर देखें चेस्ट करते मोडल उपर गोटे क्वेश्चन अच्छी ट्राए करने सीखुचे इलेक्ट्रिसिटी कौन इलेक्ट्रिसिटी डैश इन द विलेज ओके डैश इन एवरी विलेज ओके इलेक्ट्रिसिटी सब विलेज रहा कथ कह सब विलेज रहा कथ तो यह सेंस होती है सप्लाय सब विलेज को आसा कथ सुड भी सप्लाय मन किए बी भर लगे मैंने आप सप्लाइड होता कौन कहे सप्लाइड मैंने भरपुर थर्ड फॉर्म बस तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे ओके इलेक्ट्रिसिटी सुड सप्लाय ओके इलेक्ट्रिसिटी अलरेडी सेंटेन्स पढ़ पढ़ जना पड़े पैसिव सेंस होती कौन कहे पैसिव इलेक्ट्रिसिटी सब जगह को सप्लाई करा जाओ तो से भाया सेन्स होती सुड भी सप्लाइड कौन कहे सुड भी सप्लाइड लगे ऑप्शन बी रो कौन सेन्स होनी सुड सप्लाई लगे कौन से दरकार नहीं ऑप्शन सी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हम कौन पाई रिजन होती सप्लाइड आप जानते मोडाल पर कौन कहे मोडाल पर भर्व फास्ट फर्म बसे केबे भी आपन भर्व थर्ड फर्म बसे नहीं तो डेफिनेट आप ऑप्शन सी राइट आंसर हम मन रखे सुड पर भर्व बी फर्म बस कौन कहे सुड पर भर्व बी फर्म बस एट समस्त बुझीपे आप पैसिव्रे ही अच्छे कहली पैसिव्रे ही अच्छे दुई नंबर समस्त ऑप्शन सी को चूज कर सारे आउ किसी बुझे ना बिकज आप अलरेडी सब जिन बुझे नहीं जा तीन नंबर क्वेश्चन अच्छे ओके ये आप कौन कर ठीक है कहते से
ଦେଖିପାରୁଛେ ମେକ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନିପାରେ ତା ସହିତ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବନିପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ବି ଅଲରେଡି ଦେଖିସାରିଥିବେ ଓକେ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଓକେ ରାମ ହାଜ୍ ଫାଇଭ୍ ମାର୍ବଲ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ ରାମ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟା ମାର୍ବଲ୍ ଅଛି ଓକେ ଶ୍ୟାମ ହାଜ୍ ଟୁ ମାର୍ବଲ୍ ତା ମାନେ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ କେତେଟା ଦୁଇଟା ମାର୍ବଲ୍ ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ୟାମ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ କମ୍ ମାର୍ବଲ୍ ଅଛି କାଠୁ ରାମ ଅପେକ୍ଷା ଏଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଉଛି ଓକେ ତ ଲେଖିବା ଶ୍ୟାମ ହାଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ମେନି ମାର୍ବଲ୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେଉଛି ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଡ଼ିବି ଶ୍ୟାମ ହାଜ୍ ନଟ୍ ଏଠି ନଟ୍ର ୟୁଜେସ୍ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଡ୍ଭର୍ବ କ'ଣ କହିଲେ ଆଡ୍ଭର୍ବ ୟୁଜେସ୍ କାହା ପାଖରେ ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଭର୍ବ ତା ମଝିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆସେ ଆଡ୍ଭର୍ବ ଆସେ ଏଇଟା ଆପଣ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତେ ଆର୍ ପଢ଼ିଥିବେ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା ଅପସନ୍ ଏ ର ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି ରାମ ହାଜ୍ ମୋର ରାମ ପାଖରେ ତ ମୋର କେବେ ବି ଓକେ ରାମ ହାଜ୍ ମୋର ହେଇପାରିବ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ରାମ ହାଜ୍ ମୋର ମାର୍ବଲ୍ ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମାର୍ବଲ୍ ଦାନ୍ ଶ୍ୟାମ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଜମା ବି ଲଗେଇବେ ଏଠି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଲଗେଇଛି ଏଠି କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଜମା ବି ଲଗେଇବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ଶ୍ୟାମ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଏଇଟା କୌଣସି ଦେଉନି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ଥିଲା ୟାର ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ସାରିବେନି ଶ୍ୟାମ ହାଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ମେନି ମାର୍ବଲ୍ ଆଜ୍ ରାମ ହାଜ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ସୋ ଆଉ ଏପଟେ ସୋ ଆଜ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବି ବୁଝିଗଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଆପଣ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିକି ଯାଇସାରିବେନି ନେକ୍ସଟ ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଓକେ ଆକୁ କହିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ଗିଭେନ ଅଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଇପାରେ ଡାଇରେକ୍ଟକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ କିଛି ବି ଆପଣ ଥାଇପାରେ ତ ୱରିଡ୍ ହେବେନି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଡିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ସବୁତକ ଏଠି ଲଜିକାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶର ଆବିଲିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଦେ ନାହିଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସବୁତକ ପିକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆର୍ସି ଗୋଟେ ରଖୁଛି ଆର୍ସି ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିକି କରିପାରିବେ ଓକେ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହୁଛି ଓକେ ଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଚେଞ୍ଜ ଆକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବି ଡକ୍ଟର ସେଜ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ସେଜ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କି ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କରାଯାଏ ସେଠି କୌଣସି ଟେନ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଏନି କ'ଣ କହିଲେ କୌଣସି ଟେନ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଏନି ତ ସରିଗଲା କଥା ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ରହିବା କଥା ରହିବ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ରହିବ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଡ୍ଭାଇସ୍ ଓକେ ଆଡ୍ଭାଇସ୍ ଡକ୍ଟର ଆଡ୍ଭାଇସ୍ ବଡ଼ିରେ ଆଡ୍ଭାଇସ୍ ହେବାର କୌଣସି ସେନ୍ସ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ସେଇଆ ହିଁ ରଖିବେ କ'ଣ କହିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଁ ରଖିବେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଓକେ ଦ ଡକ୍ଟର ସେ ଡକ୍ଟର ସେ ଦୁଇଟା ହବ ଓକେ ଅପସନ୍ ଆଗେ ସିକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବେ ଏଠି ୱାଚ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଟେନ୍ସରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟେଇବେ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଆପଣ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆର ଅପସନ୍ ଦୁଇ ଥର ପଢ଼ିବା ଆଡ୍ଭାଇସ୍ ଆଡ୍ଭାଇସ୍ର କୌଣସି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ୍ଭାଇସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଆଇ ଅଣ୍ଡର କେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଓକେ ପୁରା ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ବୋଲୁଛି ଏ ସର୍ଭେ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓକେ ଆଡ୍ଭାଇସ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଡକ୍ଟର ସେଜ୍ ଆଉ ଆଡ୍ଭାଇସ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆପଣ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଆଇ ଅଣ୍ଡର ୱେ ଓକେ ସରିଗଲା ଏଇଠି କଥା ଏଠି ୱେନ୍ କଥା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏଠି ୱେନ୍ ତ ବସିବନି ସରିଗଲା କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଡିନ୍ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି କୌଣସି ରେଲିଭାଣ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଏଠି ୱେଣ୍ଡର କୌଣସି ସେନ୍ସ ହିଁ ଦେଉନି ସରିଗଲା ଏଠି ୱେଣ୍ଡ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୱେଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ ଆର କ'ଣ ପାଇଁ ଅଯଥା ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ଓକେ ଚାରି ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ନିଜ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଆର କହିଛି 7-8 ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବନିବ ତ କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି ସବୁତକ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ଆସିବେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ୟାର ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେ କହୁଛି ୱି ହାଭ୍ ୱାର୍କ ଓକେ କ'ଣ କହିଲେ ୱି ହାଭ୍ ୱାର୍କ ଓକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗ ଥରେ ପଡ଼ିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦ ନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦ ନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦେଲା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଲଗେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଫର୍ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତ ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ବି ର ଅଛି ଅପସନ୍ ଦୁଇଟାକ କାଟିଦେବା କ'ଣ କହିଲେ ଅପସନ୍ ଆପଣ ସି ଡି କାଟିଦେବା ଓକେ ୱି ହାଭ୍ ୱାର୍କ ତ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ସାରିବେଣି ୱି ହାଭ୍ ୱାର୍କ ଓକେ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଆର୍ଟ ଲଗେଇବେ ଏଠି ଓଭର ଲଗେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଓଭର ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଏଠି ଓଭର କୌଣସି ସେନ୍ସ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଘଟୁଥିଲେ ଓଭର ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଉପରେ ଯଦି କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ସେଠି ଆମେ ଓଭର ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଆର୍ଟ ଲଗେଇଯିବା ୱି ହାଭ୍ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଓକେ ଆଉ ତାପରେ ଲଗେଇପାରିବା ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା ଫର୍ 6 ମନ୍ଥ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଅପସନ୍ ବି ବନିବ ଆଉ କୌଣସି ସେନ୍ସ ହେଉନି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଅଲରେଡି ଆପଣ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ପଢ଼ାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ ନେଇ ଯିଏ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ୟାର ଟେନ୍ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଓକେ ଥରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଡ଼ିବା ଲାଷ୍ଟ ଅଟୋଡେ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ କଥା ଉଠେଇଦେଲା ତ ସରିଗଲା କଥା ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓକେ ମାଇ ଫାଦର ଡ୍ୟାସ୍ ଦିସ୍ ଓକେ ଦିସ୍ ହିଜ୍ ଡିନର୍ ସୁଟ୍ସ ଓକେ ୱାସ୍ ଥୁସ୍ ମୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛି ମାଇ ଫାଦର୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଅଟୋଡେ ଉଠେଇଲା ମାନେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଅପସନ୍ ଏ କୁ କାଟିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସଟର୍ଡେ ହେଇଗଲା ଏଗୋ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଡିସ୍କଭର ତ ଲାଗିବ ଡିସ୍କଭର ତ ଲାଗିବନି ଆପଣ ଅପସନ୍ ସି ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ମାନେ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର କୌଣସି ସେନ୍ସ ହେଉନି ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ସୋ ନାଉ ହି ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡାଇଟ୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍
एबेका कथा कहूँ एबे जो ना वार्ड देदेला ना आपको प्रेजेंट को जीपाई पड़ा कौन कहे ना वार्ड लगेदेला मैंने आपको प्रेजेंट को जीपाई पड़ो तो आप देखते इज फॉलोइंग अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस को जाइपर कौन कहे ऑप्शन सी पूरा एक्जाक्टली राइट आंसर होती ऑप्शन समस्त लगे देते बाकी सब इजिली एलिमिनेट हो प्रेजेंट परफेक्ट और कौन से तो इजिली काटि पार नहीं जी सात नंबर क्वेश्चन बेसी बुझा दरकार नहीं अलरेडी सब तो क्वेश्चन यार मुझे थोड़ा बुझी समस्त आंसर दे पारे सात नंबर क्वेश्चन भी इजी अच्छी समस्त आंसर फाइंड आउट करने चेस्ट करते आप जानते हैं इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन बनो ओके कहते व्हिच वन इज द इनकरेक्ट सेंटेंस आदर कौन आप इनकरेक्ट सेंटेंस बनो सेंटेंस में पढ़ा एव्री स्टूडेंट लाइक तो यहाँ पूरा ठीक अच्छे कारण एव्री स्टूडेंट सिंगुलर को डिनोट कला ये लाइक्स लगी पार लाइक्स द टीचर डेफिनेटली ऑप्शन ए पूरा करेक्ट अच्छे ओके सी इज मैरिड ओके सरी गला कथ यार मैरिड सहित कौन लगे विथ के लगे कि यार मैरिड सहित टू लगे कौन कहे मैरिड सहित प्रिपोज आप टू लगे यार इट विथ लगे आपको टोटल कन्फ्यूज कर देते हैं आप ऑप्शन बी राइट आंसर हम आप पढ़िया किसी दरकार नहीं यार ऑप्शन आप डायरेक्टली जमा पड़े एट इनकरेक्ट सेंटेंस अच्छे आम पिक करके पलिबा सात नंबर समस्त ऑप्शन बी को चूज कर सारे नहीं जी आठ नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आंसर देखें चाहूँ ये गोटे बहुत बढ़िया सेंटेंस अच्छे यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छे आपको देखिए कितने बेला आंसर ठीक दे पार ट्राई करने ओके ठीक अच्छे मुझे सेंटेंस को थोड़े पढ़ी से कहते द वार्ड लुक से कहते हैं जो वार्ड लुक यूज करते डिफरेंट सेंटेंस चार्टा सेंटेंस अच्छे चार्टा का सेंटेंस लुक रो डिफरेंट यूजेस होती है कहते सिलेक्ट द सेंटेंस व्हिच इज वार्ड नॉट जो नॉट प्रॉपर्ली यूज करते कौन कहे नॉट मैंने लुक वार्ड को सेंटेंस सहित जमा भी फिट बसुन मन इच्छा आने बसई दी थे फास्ट सेंटेंस पढ़िया ओके लुक्स लुक डू नॉट मैटर तो डिफरेंट आम समस्त यार लाइफ में कही स्पोकन इंग्लिश लुक्स डजेंट मैटर आप डिपेंड करते तार कितने नॉलेज कितने अच्छे ओके लुक्स डजेंट मैटर इन एनी टर्म तो डिफरेंट ऑप्शन ए तो पूरा एक्जाक्टली ठीक ही आंसर दूसरी सेकंड थर पढ़ा ही लुक्ड आफ्टर हिज पेन ओके लुक्ड आफ्टर माने भाई कौन ओके लुक्ड आफ्टर माने सेठी कौन तार सेठी कौन साहय कर तार देखा करा जमा से लुक्ड आफ्टर मैंने से अपने लुक्ड आफ्टर लगे ना जो ऑप्शन आप पूरा एक्जाक्टली राइट आंसर होती लुक्ड आफ्टर हिज पेन कौन सेन्स दूँ लुक्ड आफ्टर मैंने कौन जदि किए का संभाती मैंने आपने पेरेंट्स को लुक्ड आफ्टर करा मैंने देखा करवा से भाया सेन्स दूसरी तो ऑप्शन बी तो एक्जाक्टली राइट आंसर बिकज यार कौन से लुक रि ठीक सेन्स ही बसुनी आउ थे थर्ड सेन्टेंस पढ़ा वन लुक्स फैबुलस ये समझते हु लुक्स फैबुलस मैंने देखे मैंने से कमी देखा से जिस लगे पार्बा यु वांडेड लुक अबाउट हाउ इट लुक तो यहाँ भी आप से भाया सेन्स होती मैंने लुक रि परफेक्ट यूज रोचे तो डेफिनेट आम समझ जानगे आठ नंबर बी करेक्ट आंसर ये कौन से सेन्स दूँ नहीं जा नौ नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्ट करते ये कहते प्लुराल फर्म आदर कौटा प्लुराल फर्म आप समस्त यार पढ़ते नाउन रनसेप्ट आप समस्त पढ़ते मन रखिए प्लुराल फर्म आप पचारिपे ना आप मेल फिमेल रू क्वेश्चन भी उठी पाए आपको भी रेडी था ओके न्यूज आप मन रखिए न्यूज सिंगुलर एस लगे बोली प्लुराल भाभीदेवे ओके ये सिंगुलर क्राइसीस मन रखिए क्राइसीस आप प्लुराल कौन कहे क्राइसीस आप प्लुराल एथिक्स सिंगुलर आउ इकोनॉमिक्स भी आप सिंगुलर तो डेफिनेट ऑप्शन आप बी राइट आंसर हम क्राइसीस आप प्लुराल भाया कम करें कहे क्राइसीस आप प्लुराल भाया कम करें ऑप्शन ए आप जमा भी न्यूज के भी करेंगे एथिक्स नुह आउ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स गोटे सब्जेक्ट जानते हैं एस लगे तमाम नुह से प्लुराल समस्त बुझे नौ नंबर नहीं जा दस नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आंसर देखा चेस्ट करूँ से कहते टेन्स क्वेश्चन जुटी हुई जो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोटा आदर नुह कोटा आप प्रेजेंट कंटिन्यूस नुह कौन कहे कोटा आदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेन्स नुह आप समस्त पढ़ी थे इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन लगे इज आम इज कि आम होगा कि आप आर होगा सहित भर भी आप आई एन जी फर्म लगे समस्त यार पढ़ते बिकज सब इजी क्वेश्चन यहाँ फास्ट इज रनिंग तो डेफिनेट या प्रेजेंट कंटिन्यूस अच्छी विल बी कौन आसा मोडाल तो बसई पारे तो ऑप्शन आप बी राइट आंसर ला कौन कहे बी राइट आंसर ला समस्त दस रु आठ नौ तो समस्त भाई चली थी किसी भी दस दस भी चलती बहुत भी बढ़िया कथा आप कंटिन्यूटी बनई चल था ओके दस नंबर बी राइट आंसर कौन पर बिकज आप फ्यूचर कंटिन्यूस कथ उठे आम फ्यूचर कंटिन्यूस दबार सेन्स ना बिकज गोटे क्वेश्चन पचार प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आम आर सहित भर में आई एन जी फर्म बसे ओके नहीं जा एगार नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए एगार नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर देखें चेस्ट कर दिया ट्राए कले ओके सी कहते इफ रिचर्ड हार्ट रिचर्ड पाखे जो कौन था बहुत बड़े मैंने आउ किसी पेसेंस था कौन कहे आउ किसी पेसेंस था हि वुड हाव डांस ओके आर्गुमेंट विथ द मैनेजर तो मैंने पाखे से कौन कर आउ किसी से आर्गुमेंट करता जो पाखे पेसेंस था तो डेफिनेट आप लाइफ में पेसेंस अच्छे डेफिनेट आप सिलेक्शन नहीं पारे यहाँ समस्त जानते बिकज सिलेक्शन दस पंद्रह दिन हुए कि मैसे दुई मस जाए बहुत दिन पढ़ाई पड़े यहाँ समस्त जानते ओके जो पाखे पेसेंस था हार्ड आम लगे पार्बा लिटिल लगभग ओके लिटिल लिटिल लगभग एनअप एनअप मैंने सफिसीयंट नुह जमा नुह लेस भी नुह आप लगे मोर कौन कहे जो आउ किसी पेसेंस मैंने मोर पेसेंस था हि वुड हाव डैश किसी से आर्गुमेंट करता कौन कहे किसी से आर्गुमेंट करता आर्गुमेंट आप फ्योर तो लगे पार्बे फ्योर आप काउंटेबल कौन कहे काउंटेबल नाउन पाखे आप लगे पार्बे फ्योर लगे पार्बे जो आर्गुमेंट आ गए काउंटेबल नाउन से आम फ्योर भी लगे पार्बा मच लगभग मच लिटिल आउ पेसेंट ये तीन टाक आप नर्माली आप अनकाउंटेबल पाखे लगे तो एगार नंबर गोटे ही ऑप्शन था ऑप्शन डी समस्त चूज कर पड़ेगा नहीं जा बार नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्ट करते बहुत सुंदर अच्छे आप कंजंक्शन यूज करने चेस्ट करते यार ट्राई करने बहुत बढ़िया कथ सी कहते दिस रूम आर भेरी कंफर्टेबल मैंने सब रूम बहुत कंफर्टेबल अच्छे दैस दे हाव ए गुड व्यू ऑफ द सिटी
तो दीटा को पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे कौन कह दीटा को पॉजिटिव किसी नेगेटिव सेंटेंस नहीं ओके तो आउ गोटे कथा दीटा को पॉजिटिव आउ गोटे दीटा को एडिशनल मैंने इनफर्मेशन आड हो कहली आडिशनल इनफर्मेशन आड हो मैंने पाखे गोटे बढ़िया कंफर्टेबल रूम अच्छे सहित स्विमिंग पूल पाँच तो दुटा का आडिशनल एक्स्ट्रा इनफर्मेशन ये सी गोटे भल भ्यू भी पाँच ये डायरेक्टली आंड लगे कौन कहली आंड लगे आउ किसी सेन्स होनी आज ये कौन से अल्सो लगे दरकार ना स्टिल नो आंड एक्स्ट्रा आडिशनल इनफर्मेशन आउ दुटा का पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे आम आंड लगे जाइए ओके नहीं जी तेरह नंबर क्वेश्चन अच्छे ओके सी कौन क्वेश्चन सी कौन कौन दे हाव स्पॉटेड मी इन द क्राउड जो सेंटेंस पड़े यहाँ कौन बनार अच्छे ठीक यार क्वेश्चन यहाँ आप एक्टिव रू पैसिव बनार अच्छे कहते हैं एक्टिव रू पैसिव समस्त यार बुझी सारे ये एक्टिव रे आपको सेंटेंस अच्छे आपको पैसिव बनार अच्छे जितने मुझे सेंटेंस पढ़ी सेंटेंस पढ़े देखो दे हाव स्पॉटेड ये कौन अच्छे आप प्रेजेंट परफेक्ट रही कौन कहे प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं एक्टिव पैसिव जितने बनू प्रेजेंट परफेक्ट थे आपको कौन बजे जो आप पैसिव बनो आम बीन लगे पड़े कौन कहे बीन लगे पड़े समस्त यार जानते तो फास्ट सेंटेंस होगा आई आम तो आसार कौन से चांसेस नहीं ओके सेकंड कौन आई विल एटी विल कौन आसा ये आप फ्यूचर कौन से कथ ही उठे आई वुड हाव वुड भी आपड़ा आसबे नहीं पुणी फ्यूचर भाई कौन आनुच्छे फ्यूचर कौन से सेन्स होनी ऑप्शन गोटे थी ऑप्शन आपको डी राइट आंसर रही है आई हाव बीन आपको कही परफेक्ट रही आपको बीन लगे पड़े आ मन रखिए कंटिन्यूसली आपको कौन लगे आपको बीइंग लगे मैंने बीई आई एन जी लगे कहली कंटिन्यूसली बीइंग लगे आपको परफेक्ट रे बीइंग लगे इतनी भाई समस्त माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर थी और समस्त यार डेफिनेटली इजी क्वेश्चन अच्छे आसल एग्जाम में समस्त क्रैक करके पड़े आसेंगे नहीं जा चौदह नंबर क्वेश्चन देख आंसर देखा चेस्टा करते बहुत सुंदर अच्छे मुझे ऑलरेडी यार प्रीपोजिशन सब जिन शिखी आउ इंग्लिश हंड्रेड रूल भी समस्त ओवर होगा एबव होगा एगेस्ट होगा बेनिथ होगा इस सब विषय में समस्त कही डेफिनेटली चौदह नंबर आंसर समस्त ठीक कर रिमेंबर टू गो डैश योर आंसर केयरफुली आप जो जो आंसर जो पढ़ते हैं भलसे यार ऑब्जर्वेशन करूँ कौन कहे भलसे ऑब्जर्वेशन करूँ तो एबर कौन सेन्स होनी एब मैंने कि जिन थोड़ा एगेस्ट तो कौन सेन्स होनी एगेस्ट योर आंसर यहाँ तो कौन सेन्स नहीं आपको भलसे केयरफुली देखा पड़ो ओके तो डेफिनेट आम कौन करा बेनिथ रो तो कौन सेन्स होनी बेनिथ मैंने तले अंडर आप बेनिथ रो सेन्स ओके तो ऑप्शन गोटे थी ओके रिमेम्बर टू गो ओवर योर आंसर ओके केयरफुली इफ यू हाव टाइम होप सो मत समस्त बुझे मैंने भलसे आंसर को गो थ्रू करो नहीं जा पंद्रह नंबर क्वेश्चन से देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन आंसर देखा चेस्टा करूँ यार ट्राई करने ओके थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ाई चेस्ट करेंगे पंद्रह नंबर क्वेश्चन से कहूँ आई रिमेम्बर दैट इट वाज डैश माय फिफ्टीन बार्थडे डेफिनेट आप फिफ्टीन बार मैंने डेट कथ उठी कौन कहे डेट कथ डेट मैंने डेट कथ उठा तो डेफिनेट आम लगे पारे अन माय फिफ्टीन बार्थडे सरीगल आप ऑप्शन ए कटिगला ऑप्शन डी कटिगला ऑप्शन बी हो पारे ना आप सी हो पारे ओके सेंटेंस तरह आगू पढ़ा दैट सी हाज फास्ट पुट देम डैश माई हैंड तो डेफिनेटली सी गोटे मुवमेंट घटिक आप गोटे हाथ आसी रहा कौन कहे गोटे मुवमेंट घटे आपको कहते हैं कौन जगह मुवमेंट घटिक हाथ आसी रही है सीटा आम इंटू लगे ये आर्टर कौन से सेन्स हो तो आप पंद्रह नंबर ऑप्शन बी राइट आंसर होप्स समस्त चूज कर सारे तो नेक्स्ट ये सोलह नंबर क्वेश्चन को देखिए सोलह नंबर क्वेश्चन आंसर देखा चेस्टा करूँ यार ट्राई करने क्वेश्चन से कौन कहते बुझाई चेस्टा करवा ओके फास्ट कथ कौन क्वेश्चन से कौन बनवाई पड़ो से इंपोर्टेंट सी कहते माई फादर इज एक्सलेंट बोलर He has been bowling since was 10 years old. तो जब हमें सेंटेंस पढ़े मन रखे आपको अप्रोप्रिएट कौन कहे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनवे कौन कहे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आर कौन रोक मन रखे एग्जाम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आसपे आ गए अप्रोप्रिएट भी आंसर आसपे से इज क्वेश्चन एट जेनेल आबिलिटी आप जापर आपको इजिली डेल आउट करेंगे सीखे माइ फादर मो फादर गोटे एक्सलेंट बोलर ओके हि हाज बीन बोलिंग से बोलिंग करते से दस वर्ष आपको होते ओके डेफिनेट आम कही पार्बा डीड दे लाइक टू बोल यार कौन से सेन्स होनी हाउ लंग हाज हिज फादर बीन बोलिंग ये आप डेफिनेटली गोटे आपको अप्रोप्रिएट क्वेश्चन दूसरी आपको बापा के बोलिंग करते यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर रहा थोड़ी थर्ड को पढ़ दबा डिड यू नो स्टोरी स्टोरी कथ उठा बोलिंग स्टोरी कथ उठी डिड यू ऑप्टेन गेट टुगेदर विथ फ्रेंड फ्रेंड कथ किसी उठोनी गोटे आपको ऑप्शन बी राइट आंसर था होप सो समस्त चूज कर सारे किसी डाउट भी नाव नहीं जी आप सत नंबर क्वेश्चन से सत नंबर क्वेश्चन आंसर देखा चेस्टा करते क्वेश्चन टाइम अच्छे आराम से आंसर दिखते जमा बेटी वरीड हूँ जमा बेटी कन्फ्यूज हूँ बिकज सेंटेंस बड़ अच्छे भाविकी जमा कन्फ्यूज हूँ ना ट्राई कल ओके ठीक अच्छे मुझे क्वेश्चन को पढ़ाई चेस्टा करी हि सेड ओके हि से कहला द टीचर ओके ऑट टू गिव ओके तो मैं सेंटेंस पढ़े ऑट टू तो ये के हेल्प आप आसबन भर ओके तो ये आप डिपेंड कला सेड ये आप सिंपल पार्ट अच्छे कौन कहे सिंपल पार्ट अच्छे जब सिंपल पार्ट अच्छे आगे सेन्टेंस नेगेटिव नहीं कौन कहे सेन्टेंस नेगेटिव नहीं सेन्टेंस अलरेडी आर पॉजिटिव अच्छे आमको नेगेटिव बनवाई पड़ा तो डीड ऑप्शन ए हम ओके ऑप्शन थे सी को पढ़ा सी आप बिकज ये कौन पाए सिंपल पास्ट अच्छे सिंपल पास्ट आम कौन जी डीड जी जब आप सिंपल प्रेजेंट था कौन कहे ये हेल्पिंग वर्ब तो किसी ना तो आमको डीड नाई पड़ो आगे कथ मन रखिए सिंपल प्रेजेंट थे आमको कौन नाव पड़ो डज ना पड़ो ना डू ना पड़ो डिपेंड करें सब्जेक्ट कौन अच्छे ही थे आम डज नहीं था आपको जब प्लूराल था आम डू को लेकिन जाते बट ये आप सिंपल पास्ट अच्छे आम नाई पड़ो डीड नट ही लगे पड़ो सत नंबर ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं जी अठर नंबर क्वेश्चन अच्छे बहुत बढ़िया मन रखिए इडोमेन फ्रेजेस आपको मीनिंग दबाई पड़ो कौन कहे इडोमेन फ्रेजेस मीनिंग दबाई पड़ो ओके हरी वाज टेक ओके टेकन टू टास्क मन रखिए
टेकन टू टास्क माने ही जो माने कॉन्टेक्स्टुअल जाई परबे नले थरे सेंटेंस को पूरा पढ़ी के भी आपन आंसर दे परबे हरी ओके हरी वाज टेकन टू टास्क बाय द टीचर फॉर मेकिंग ओके डेफिनेटली से क्लास को नॉइज करतरा तो ताको टीचर आसी कोन डेफिनेटली पार्टी करतबे डेफिनेटली हम स्क्रोल रेट लगे परबे कोन स्क्रोल रेट लगे परबे जो माने कॉन्टेक्स्टुअल जाई पाले बहुत बढ़िया कथा जो माने जानिचो यार टेकन टू टास्क डायरेक्टली आपन ऑप्शन ए को लगे के पढ़ैतबे मन के एडवान्स फ्रेजेस आपन बहुत बड़े 400-500 आपन हजार जति के रिकॉल करछन तादर जदी एग्जाम आसी गला भाई बहुत बढ़िया कथा आपन एग्जाम रे हिट करके पढ़ै आसबे नॉर जानछन ये बहुत बड़ा टॉपिक 2000-3000 भी थाए ओके नेक्स्ट यार 19 नंबर क्वेश्चन छै देख 19 नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन छै आराम से भाबि जिंदे आंसर दबाय चेष्टा करू यार से कहूँ ओके आरेंज करूँ आप जो वार्ड अच्छी सिक्वेंशियली आरेंज करने चेस्ट करूँ आपको रीअरेंजमेंट ऑफ वार्ड कही पारे ना पारानम्बल भी बढ़िया नॉर्मल आप आसे थोड़े सेंटेंस पढ़ा द बॉय ओके इन द कंपटीशन द बॉय इन द कंपटीशन हु वाज वेयरिंग स्पेक्टेकल हो पार द बॉय इन द कंपटीशन द बॉय इन द कंपटीशन हु वाज वेयरिंग द स्पेक्टेकल्स ओन मेनी प्राइजेस इन आवर कॉलेज ये हो पार ठीक अच्छे आठ अप्रोप्रिएट कौन बनुच्छे थोड़े चेक कर ओके द बॉय ओन मेनी प्राइजेस इन द कंपटीशन हेल्ड इन आवर कॉलेज हु वेयर टोटाली चांस दूनी एटी बॉय को क्लारीफाई करा छी बॉयटा को बढ़िया फास्ट क्लारीफाई करबे कोन कहली बॉयटा को बढ़िया फास्ट क्लारीफाई करबे द बॉय हु वाज वेयरिंग तो डेफिनेटली ऑप्शन सी गोटे थिला यार पूरा एक्जेक्टली आंसर दो छी द बॉय जी कि स्पेक्टेकल पिंधी छी जे कि बहुत गुडी आपन को मैच आपन जो आपन प्राइजेस से कंपटीशन पाई छी जोटे कि हमर कॉलेज रे गोटुतला ऑलरेडी यार समस्त यार जानिथिबे इजीली आपन डील करके पढ़ीथिबे ऑप्शन सी राइट आंसर हबो आ बेसी किछि के कंफ्यूज करबिनी आपन थोर पढ़ी परबे निजे पढ़ी के आपन आंसर दे परबे द बॉय तापर से डिजाइन तापर ताको डिस्क्राइब करछी से बॉयटा केमितिया जे कि आपन से चश्मा पिंचे आपन स्पेक्टेकल पिंचे से बेला सेन दोछि ऑप्शन सी आपन एक्जेक्टली राइट आंसर रहबो नेक्स्ट यार 20 नंबर क्वेश्चन छि 20 नंबर क्वेश्चन आंसर दपन चेष्टा करू यार ट्राई करने ये पूरा इजी क्वेश्चन अच्छे से कहते डैश मनी डू यू स्पेंड ऑन बुक ओके तो पढ़ा हाउ मनी टोटल सेंस ही दोनी हाउ ऑब्टेन मनी कौन से सेंस दोनी हाउ मेनी और हाउ मच तो मैक्सिमम लाइफ जो मेनी अच्छी कौन कहे अपन जो मेनी वर्ड पाइले मन रखे मेनी वर्ड टा फास्ट कथा बुझे सॉरी मनी वर्ड टा मुझे मेनी कहते ओके मनी वर्ड टा आप मन रखे काउंट ओके आप फास्ट बुझाई पड़ो आप मैंने काउंटेबल ना अनकाउंटेबल कौन कहली काउंटेबल ना अनकाउंटेबल मन रखे मनीटा गोटे अनकाउंटेबल मनी के गणी हुए आप एम नुहे 10 नोट बस गणी देते लाइफ में आज पर्यटन आपके कितने टाँग खर्च होती है गणी पारे डेफिनेट गणी पारे से मनीटा मन रखे गोटे अनकाउंटेबल ना तो मेनी लगे ना हाउ मच लगे कौन कहते हाउ मच मनी एट इजी क्वेश्चन है समस्त इंग्लिश एबिलिटी अनुसार लगे पड़े एक नंबर क्वेश्चन अच्छे आंसर देखा चेस्ट करते यार ट्राई कले सी कहते क्वेश्चन मेनी स्टूडेंट ट्राइड ओके बट दे फेल्ड टू सॉल्व द सम तो मेनी सी कहे ये अंडरलाइन पार्ट अच्छे ये तो अंडरलाइन जो पार्ट अच्छे तार मीनिंग आपको कह रहा है कौन कहे ये जो अंडरलाइन पार्ट अच्छे तार मीनिंग कहें पड़े मन के आप एग्जाम में सेंटेंस रो मीनिंग पचारिपे वार्ड रो भी मीनिंग पचारिपे तो से सब आप रेडी थे आप इंग्लीश एबिलिटी अनुसार डील करके पड़े आसेंगे कौन कहे इंग्लीश एबिलिटी अनुसार डील आउट करदे से कहते देख पड़े दे फेल्ड मैंने कौन डेफिनेटली मैंने सक्सेस के न तो अनसक्सेसफुल आप गोटे ऑप्शन बी था दे वेयर अनहैप्पी एट कौन से वेयर सक्सेसफुल तो कौन से हैप्पी कौन सक्सेस दूनी आप गोटे ही था एक नंबर बी होप सो समस्त क्लिक कर सारे नेक्स्ट जा 22 नंबर क्वेश्चन अच्छे आंसर देखा चेस्टा करते हैं आर्टिकल बहुत बढ़िया यूजेस अच्छे आर्टिकल भी क्वेश्चन बनब एग्जाम ट्राई करने से कहते रमेश फादर कौन कहे रमेश फादर मन रखे पंचुएशन सुपर इंपोर्टेंट रमेश फादर ये आपन कौन आसला मन रखे रमेश फादर होगा कि सुनील साउस होगा ये सब आपोस्ट ऑफिस लगे कौन कहे आपोस्ट ऑफिस लगे मो क्या मन रखता जो पॉजिटिव आस आपोस्ट ऑफिस लगे रमेश फादर ए पंचुएशन भी क्वेश्चन आसपे मो क्या मन रखता पंचुएशन भी क्वेश्चन आसपे रमेश फादर इज डैश एंड एमपी जितने आम एमपी पढ़िया मैक्सिमम ये ए लगे जो मैंने पढ़ी टोटाली भूल ए लगे आप जानते एमपी प्रोनाउंसिएशन छोटे बेलू आम स्कूल पढ़ी पढ़ी आसे ये आम आन बसाई पड़ो ओके कौन पर बस पड़ो समस्त जानते आन एमपी आप प्रोनाउंसिएशन जो आप भावेल आसो तो आगू आप आन बसाई पड़ो ओके फादर डैश इज ए मेंबर तो मैक्सिमम लगे सर एटी तो एम अच्छे ये भी आप आन लगे पढ़ाते टोटाली भूल मेंबर मेंबर प्रोनाउंसिएशन आप कला आपको कौन लगे पड़ो ये कंसोनेंट साउंड स्टार्ट होती कौन कहे मेंबर जितने प्रोनाउंसिएशन करेंगे कंसोनेंट स्टार्ट होलरेडी आर्टिकल मुझे बहुत बढ़िया ट्रिक देती वोकल कॉर्ड कमी यूज कराए समस्त यार पढ़ी थे तो डेफिनेटली लगे पारे कौन लगे ए लगे जा मैंने आन आउ ए आंसर बनब ऑप्शन आप रईट आंसर रहा होप सो समस्त बुझे नहीं जा 23 नंबर क्वेश्चन अच्छे ओके आपको आंसर देखें चेस्ट करूँ ये आप नॉर्मल सी आप रहा इडमेंट फ्रेजेस रोचे आर आंसर देखें चेस्ट करूँ यार एडवान फ्रेजेस आंसर देते सी कहते आट द क्रॉस रोड कौन कहे आट द क्रॉस रोड तो डेफिनेटली गोटे जगह पहुंचे आट द क्रॉस रोड सिचुएशन बनीगला मैंने आप कहीपरेंगे आन ए इम्पोर्टेंट सॉरी आट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन आप गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन को कहीपरिया आट द क्रॉस रोड कहीपर ऑप्शन आप रईट आंसर रहा आ बेस किसी पढ़ी आप कन्फ्यूज करेंगे आप अदरवाइज आप तीन टाक ऑप्शन थे चेक कर दिखाँ रिलेवेंट किसी नहीं कहते आट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ जर्नी मैंने जर्नी रास्त जर्नी किसी करती से भाई सेन्स होती ना यार ये आप डिसीजन कथ कहे कौन गोटे इम्पोर्टेंट डिसीजन कथ कहे तो 23 नंबर जो मैंने पढ़ी थे डायरेक्टली ऑप्शन ए को मारी जाइए नहीं जा 24 नंबर क्वेश्चन अच्छे आपको पैसिव बनाते कौन कहे ये आक्टिव अच्छे आपको पैसिव बनाते इजी अच्छे समस्त पिक करेंगे जमा भी डिफिकल्ट नहीं यार
ट्राए कले ओके ठीक होचो ओके से कोची द डॉक्टर एडवाइस मी मी टू गिव अप ओके स्वीट सो डेफिनेटली हम कह परबा एटी मी को जो प्रोनाउन अछि आकू आकू फास्ट आनिया पय पड़बो ओके मी को फास्ट आनिया पय पड़बो तो एटी टू मी रु स्टार्ट हे परबो नि इन्फिनिटी कोड असला माने टू तो आनिया रे कोन चांसेस है द डॉक्टर तो चांसेस नाही स्टार्ट हो ओके I was advised to give कौट आसा बै द डॉक्टर कौन कहे आई वाज एडवाइज बै द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स होप सो मैं समस्त बुझे आप गोटे काम करेंगे ये आप देख पाते दुटाक सेन्टेन्स चबीस नंबर सेन्टेन्स दुटा स्ट्रक्चर चेंजेस अच्छी बै द डॉक्टर मैंने एडवाइस किए देला डॉक्टर देते आप कौन डॉक्टर देते टू गिव अप स्वीट्स आप डायरेक्ट लगे पारे ये डी रोण से आगे आपको इनफिनिटी बर पड़े आसी जोटा कि अप्सन सी आप रईट आंसर रहो इनफिनिटी बर आगे आसो ना देखो पच्चीस नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें चेस्ट करो ट्राइ करने बहुत बढ़िया कथ सी तो टीचर सेड दैट ओके वी कुड राइट ऑन डैश सेट तो डेफिनेटली गोटे पेपर आम कौन दीपट सैड लिखी पार्बा कौन कहे पेपर आप दीपट सैड लिखी पारे एटा समस्त भाई जना तो डेफिनेटली समस्त पिक कर सारे आई दो सेट ना आम दीपट सैड लिखी पार्बा पेपर बट टू स्टार्ट ए न्यू पेज फॉर डैश क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन लगे पार्बा कौन कहे एवरी क्वेश्चन आम लगे पार्बा एवरी क्वेश्चन लगे तो डेफिनेटली लगे सॉरी आप एवरी नो ईच क्वेश्चन कौन कहे सब क्वेश्चन आप लगे पड़ा कौन कहे ईच क्वेश्चन लगे तो डेफिनेटली आप फास्ट लगे बोथ बोथ सैड आप जानते पेपर बोथ सैड लिखा सेन्स दिए ना तो डेफिनेटली आप बोथ लगे पार्बा आउ ये कौन से ऑप्शन सुइटेबल ना सम सैड तो एमती किसी सेन्स दिए ऑल सैड तो कौन सेन्स दिए आप बोथ सैड पेपर से कहते हैं आग पछ बोथ सैड बुझाए एटा समस्त बुझे यार बेसी किसी बुझा दरकार नहीं ओके नहीं जा छब्बीस नंबर क्वेश्चन से कहते आदर गोटे करेक्ट सेंटेंस देखिए फाइंड आउट करने चेस्ट करूँ एटी गोटे कंजंक्शन बहुत बढ़िया रूल अच्छे से भितर आपको बुझेदेवी ट्राए कले सीखो हुई वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट ओके करेक्ट पे सीखो सी इज बोथ ए डांसर और बोथ सहित कड़ा और कौटी भाई बसे जमा भी भाई बसे आम काटे फास्ट बोथ सहित आप के बसे सीखो सी इज बोथ ए डांसर नर बोथ सहित पुणी भाई नर कौटू आसा काट तक नर आसो ही ना सी इज बोथ डांसर ओके एंड बोथ सहित आप मन रखे बोथ सहित आप पेयर आंड बसे कौन कहे बोथ सहित पेयर आंड बसे आईदर नाइदर नटली बटल्स ये सब आप पढ़ी थे आप आहरी भी बहुत गुड़े अच्छे समस्त अलरेडी रिकल कर बसता एक्जाम आसे यार कंजंक्शन लगे पड़े आसे बोथ सहित आंड बसे ऑप्शन आप सीरियड आंसर है नहीं जा नहीं देखो सतैश नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें चेस्ट करो ट्राए कले इनफिनिटी भर बेटी बसे तो डेफिनेटली मैक्सिमम फसी जाए ये क्वेश्चन आप फसा रखे बिकज ये क्वेश्चन आंसर टिपिकल अच्छे ओके सी कहे फर मोर ओके सीभर इलनेस ओके मेडिकेशन इज लाइकली लाइकली बट तो टू लगे समस्त जानते बट सब तक ऑप्शन टू अच्छी मन रखिए टू पर बी भर्ब लगे भर्ब थर्ड फॉर्म लगे एक क्वेश्चन को एंड करेंगे जब जना अच्छी तो डायरेक्टली लगे जब जना ना तो स्किप कर पड़ा एम हंड्रेड रू हंड्रेडा क्वेश्चन करवा से निडेड आप जितने आसूचे से अटेंड करेंगे एक क्वेश्चन मैं ट्रैप रखी बिकज ए क्वेश्चन टी टिपिकल था जो मैंने जना अच्छे ऑप्शन एक चूज कर पड़े तो जना ना तो वर्डा किसी दरकार नहीं देखो अठाईस नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें चेस्ट करो ट्राए कले बहुत बढ़िया कथ सी कहते ऑल्दो ही डैश द फर्स्ट राउंड इन द रिकॉर्ड टाइम ही डैश इन द सेकंड एंड ऑल्सो फिनिश्ड सांगे से जना पड़ा एटा पास्ट अच्छे कौन कर पास्ट अच्छे तो ऑल्दो ही डैश द फर्स्ट राउंड से ऑलरेडी जितने सारी देता तो पास्ट रो परफेक्ट कौन कर पास्ट रो परफेक्ट एटा सारी देती यार तो डेफिनेट आम फिनिशेस तो प्रेजेंट कथ उठूनी हार्ड विन फिनिश एटा पास्ट रो परफेक्ट मैंने पास्ट रो से कंटिन्यूस चलते कि ना जमा भी नु विल तो फ्यूचर भाई कौन से चांसेस नहीं गोटे ही ऑप्शन था ऑप्शन डी राइट आंसर था हार्ड फिनिश पास्ट परफेक्ट पूरा क्लियर कट सेन्स होती ऑल्दो ही डैश तो फास्ट राउंड से मैंने जदि से फास्ट राउंड सारी सारी तो डेफिनेट आम हार्ड फिनिश अठाईस डी डायरेक्टली लगेगा बाकी आपको किसी पढ़िया दरकार नहीं तो नेक्स्ट सिंपल फास्ट आसा कहता आसो जोटा कि स्लिप्ड अच्छी नहीं जी से अंतरी अंतरीश नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें चेस्ट करूँ ये आप देखते हैं तीन टा प्रिपोजिशन आपको बसापी पड़ो जमा भी यार भूल करते ना बिकज ये पूरा इजी अच्छे ट्राए कले बहुत बढ़िया कथ मुझे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने चेस्ट करेंगे सी कहे डैश समर हॉलीडे तो समस्त जानते आम जो समर हॉलीडे टाइम रे ड्यूरिंग द ड्यूरिंग समर हॉलीडे एटा समस्त जो आज लगे पड़े मन हुए ड्यूरिंग लगे आउ गए कथ मन रखते समर पूर्व केवे आप आर्टिकल द बसव ना कौन कहे तो डेफिनेटली लगे पड़ा ड्यूरिंग समर हॉलीडे मेनी बॉयज एंड द गर्ल्स लाइकली टू कौन जानते लाइकली गो टू द कंट्री विथ देयर टीचर मान सहित जाते आम ये विथ लगे पार्बा होप सो अंतरीस नंबर समस्त ऑप्शन डी को चूज करते भाई आउ के क्वेश्चन को मिस्टेक ही करते नहीं जा तीस नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए आंसर देखें चेस्ट करूँ से कहते यूज बिकज कौन कहे यूज बिकज ओके थोड़े क्वेश्चन को पढ़ा से कहते राहुल इज डल टू अंडरस्टैंड द कमेंट ऑफ हिज फ्रेंड मैंने राहुल बहुत ही डल अच्छी मैंने बुझीपे जो आप जो सांगर कौन अच्छे कमेंट को पढ़े ठीक अच्छे राहुल कैन नॉट अंडरस्टैंड द कमेंट ऑफ हिज फ्रेंड बिकॉज़ ही इज डल ऑप्शन ए तो भाई हो पारे कौन सी प्रॉब्लम नहीं राहुल शुड नॉट अंडरस्टैंड शुड नॉट मैंने कंपलसरी सेन्स कौन सेन्स दूनी थर्ड टा पढ़ा बिकज राहुल कैन नॉट अंडरस्टैंड द कमेंट ऑफ हिज फ्रेंड ही वाज डल ना एमती कौन भाई स्ट्रक्चर बनी बनी ऑप्शन सी थे दीदी मीनिंग काढ़े तो टोटाली सेन्स दौनी ओके बिकज हि इज डल से मैंने सी डल थे कौन करती राहुल जो कमेंट अच्छी अंडरस्टैंड कर पारुनी तो राहुल कैन नॉट अंडरस्टैंड द कमेंट राहुल से मैंने जो आप जो
कमेंट को अंडरस्टैंड कर पारे जो सांगर कमेंट को बिकज से कौन अच्छी गोटे आप डल अच्छे तो ऑप्शन आप ए राइट आंसर रही है बाकी आप थोड़े पूरा पढ़ी ना बेस्ट रही है ओके नेक्स्ट जे 31 नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए आंसर देखें चाहते एटी मैक्सीम फसी यार फसीगले ना सी कहते द कमेटी डैश दिस क्वेश्चन केयरफुल कमेटी मैं आगे क्वेश्चन रखाई तो कमेटी मैं कौन डिसीजन दबार अच्छे कौन कहे डिसीजन दबार अच्छे कि क्वेश्चन आप आंसर कराया और डेफिनेटली द कमेटी मैं पूरा ग्रुप मेम्बर बसई समस्त फाइनाल आउटकम बाहर कौन कहे समस्त फाइनाल आउटकम बाहर तो डेफिनेटली कमेटी सिंगुलर भाया काम करें कहे कमेटी सिंगुलर भाया काम करती कमेटी सिंगुलर भाया काम कर डिबेट सब ऑप्शन ए हम जमा भी ऑप्शन बी लगे ना समस्त बुझेगा जब ये प्लूराल देता कमेटी डिवाइड होगा कि कमेटी आउ किसी डिसीजन है तो अलग अलग है सीठी आम लगे पारे आप डिबेट प्लूरा लगे पारे बट ये समस्त गोटे डिसीजन जब गोटे डिसीजन आसला आपको सिंगुला लगे पड़े नहीं जी 32 नंबर क्वेश्चन अच्छी ओके सी कहते करेक्ट द सेंटेंस कौन कहे ओके ठीक अच्छे आपने गोटे सेंटेंस दी कौन कहे आप गोटे सेंटेंस दी आपको सी कहते करेक्ट द सेंटेंस मैंने ये जो चार्ट अच्छे आदर कौटा आपको करेक्ट सेंटेंस रोचे अदरवाइज आपके एटा भी आप करेक्ट कहीपरेंगे कहे आप ऑप्शन डी को चूज करेंगे ना तीन टाक भितर कौट आप करेक्ट बनती देखिए चूज करने चेषा करते यार ट्राए कले से मैंने नीड सहित कौन कहे नीड सहित इनफिनिटी भर्ब निए कौन कहे नीड सहित टू प्लस भर्ब फ्लाटफर्म बसे तो डायरेक्ट आम लगे पार्बा आई नीड टू स्लीप कौन कहे आई नीड टू स्लीप डायरेक्ट लगे पार्बा ऑप्शन बी अच्छी कौन भी इनफिनिटी ना सरगला कथ आप ऑप्शन बी राइट आंसर रहा मन के नीड टू लगे समस्त यहाँ जानते ना नहीं जी 32 नंबर सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन अच्छी देखिए आंसर देखें चेस्टा करूँ यार सी कहते क्वेश्चन अलरेडी से क्वेश्चन टैग दे दी कौन ये अलरेडी क्वेश्चन टैग दे दी से अलरेडी क्वेश्चन टैग देती सी कहते हैं ये पुट फॉर्मेशन करो आपको कौन टेंस रही है ये देखते डिड नॉट लगे अलरेडी पास लगे कौन कहे डिड नॉट ही लगे जब पास लगे आम डिड नॉट ये तो डिड नॉट स्टडी तो केवे लगे पारे दुटा आप नेगेटिव सेंस होती प्रेजेंट तो लगे पारे हार्ड लगे तो ये डेफिनेटली हार्ड पड़े आसता डिड कौन भी आसता तो डेफिनेटली आप गोटे बजा स्टडीड ऑप्शन आप 33 नंबर बी राइट आंसर रही होप सो समस्ते बुझीगले ना नहीं जा 34 नंबर क्वेश्चन से देखिए 34 नंबर सी कहते ओके अथेंटिक रो आपको सिनोनिम कहुत सिनोनिम एंटोनिम रो कौन क्वेश्चन आसो होप सो जब अधिक क्वेश्चन आसो ओरिया दरकार जब आसो जी करेंगे ना स्किप करके आसे अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग बनबार मैक्सिमम चांसेस बनते सी कहते फाइंड द सिनोनिम आपको सिनोनिम काढ़िया रोज कार अथेंटिक अथेंटिक डाटा मैंने कौन पूरा जेन्युइन डाटा पूरा एक्जाक्ट डाटा ओके तो ऑप्शन गोटे थी ऑप्शन डी राइट आंसर है बाकी आप एडजस्टेबल तो जमा भी नो नॉन एडमिरेबल तो जमा भी नो तो गोटे ऑप्शन बंद था ऑथेंटिक माने अपन जेन्युइन डाटा तो ऑप्शन माने रियल डाटा जोड़ा कहते ऑप्शन डी राइट आंसर रहा 34 नंबर समस्त डी को चूज कर सारे नेक्स्ट जा 35 नंबर अच्छी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कौन कहे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस डेफिनेटली आसो आपको आप पाराजम्बल भी कहते पीक्यूआरएस भी कहते ओके तो समस्त ट्राई करते बहुत बढ़िया तो मुझे क्वेश्चन को पढ़े ओके क्वेश्चन पी क्यूआरएस देखिए फाइंड आउट करते किए आप कौन स्टार्ट हो पार्ब ऑन देयर स्टार्ट हबार कौन चांसेस ना इन द इंटरनल हबार चांसेस ना दे कंप्ले विथ रिक्वायरमेंट रिलेटेड क्या उपर कंप्ले कले तो बुझाई पड़ो फास्ट बुझो म्यूचुअल फंड रे स्टार्ट कर म्यूचुअल फंड्स आर नॉट टैक्स्ड ऑन देयर इनकम म्यूचुअल फंड रो जो आप टैक्स के लगे इनकम म्यूचुअल फंड जहाँ भी इनकम करेंगे टैक्स लगे तो आम क्यू पर पी को डायरेक्टली अरेंज करवा कौटा ऑप्शन अच्छी चेक कर दिखाँ काम सरला ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी राइट आंसर होप से समस्त फाइंड आउट करते इजी थी ना समस्त पिक कर सारे नहीं 36 नंबर अच्छे 36 नंबर आंसर देखें चेस्टा करते हैं इजियर नॉर्मल आगे रिलेटेड अपन प्रोनाउन लगे रही है समस्त लगे दिखाँ ट्राए कले बहुत बढ़िया कथ सी कहते डैश एमंग यू ओके मैंने हाउ एमंग तो चांस दूनी ओके हुई एमंग नुह हुई ओके ठीक अच्छे हुई एमंग थोड़े देखिपर हुम एमंग हुम एमंग तो लगे हू एमंग लगे तेनाली ऑप्शन ए बी आगू थोड़े चेक कर ना यू हाव डैश हाव एवर भिजिटेड द कोणार्क तो ऑप्शन आपको डी लगे ऑप्शन नेभर नेभर तो लगे हाव नेभर भिजिटेड द कोणार्क ये तो कौन से नुन एभर लगे आप जानते तो डेफिनेट 36 डी रेट आंसर रहा बेसिक किसी कहीं कन्फ्यूज करें नहीं जा 37 नंबर अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्टा करते हुई वार्ड हाज डिफरेंट मीनिंग आप देखते चार्टा वार्ड अच्छे कौटे डिफरेंट मीनिंग शो करती आप आंसर को पिकआउट कर अड वन आउट भी आपको एक्जाम मन पे मन रखे अड वन आउट होगा कौन कहे अड वन आउट होगा आउट मन रखे प्रीफिक्स सफिक्स आप जो वार्ड फॉर्मेशन रू क्वेश्चन बनबे मुझे अलरेडी पढ़े सारी वार्ड फॉर्मेशन भी क्वेश्चन बनी पाए ओके सी कहते हुई वार्ड फॉर्म डिफरेंट मीनिंग ओके प्रॉपर्ली तो आम जानते ठीक प्रॉपर्ली कहते प्राउडली यार गर्व अनुभव करवा यहाँ सेन्स दूनी राइटली जो प्रॉपर्ली सेटा वेल बी सेटा माने तो आप डेफिनेटली ऑप्शन बी को चूज करेंगे आप प्राउडली सहित प्रॉपर्ली राइटली वेल रोसी सेन्स दून समस्त बुझे आप 37 ऑप्शन बी राइट आंसर रहा जा 38 अच्छे देखिए क्वेश्चन टैग अच्छी देखिए समस्त आंसर दे दिखाँ पूरा इजी अच्छे यार मन रखे ये मैक्सीम भूल करके पढ़े यार कौन पर भूल कले बिकज सेलडम सेलडम मैंने जानते बेले बेले तो ये अलरेडी गोटे नेगेटिव वार्ड कौन कहे नेगेटिव वार्ड ये जमा भी आपको कौन बसा ना ऑप्शन ए को जमा चूज कर ना ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो कौन पर डी राइट आंसर हो आपको बुझुच्छे मन रखे आप जानते ये आपको दे लगे दे तो डू बस बिकज ये आपको हेल्पिंग वर्ब किसी ना जब आम डू बसोचे ओके डू बसोचे सेलडम अलरेडी आपको कौन नेगेट वार्ड अच्छी तो आम गोटे नट बसईवा ना ओके ये आप पजिट आसो कौन कहे ये आप पजिट आसो ऑप्शन गोटे थी 38 राइट आंसर डी थी होप्स जो मैंने चूज करते बहुत बढ़िया कथ नहीं जाए
ठीक अच्छे थे आगू पढ़ाई चेस्टा करवा ये एबाउट कौट आसा ये क्वेश्चन था अफ द क्रोन थी तो ये एबाउट काटन तो ऑप्शन आप गोटे थे यार ऑप्शन बी को थे चेक करते सिमिलर वार्ड रोक किसी नुआ वार्ड आप आड करेंगे ना तो डेफिनेट आप एक चालीस रईट आंसर बी रहा होप सो यार समस्त बुझी सारे नेक्स्ट जाए आप बयालीस नंबर क्वेश्चन से कहते फाइंड द एरर काढ़ा पड़ा कौन कहे आप एरर डिटेक्शन क्वेश्चन बनपे मन रखे एरर डिटेक्शन आउ सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन भी आसपे से कहते वी आर ट्राइंग टू लोकेट द हिस्टोरिकल सिटी फॉर द देखिपर फॉर द फास्ट टू इयर्स सरीगला कथ फोर आसा मैंने कौन आपला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो पड़े कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगे पारे तो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग कौन आसा प्रेजेंट कंटिन्यूस कौट आसा जमा नुह फॉर द पास्ट टू इयर ये आप लगे कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगे जोटा कि आप ना तो आप कौन बनब ऑप्शन ए राइट आंसर बोटा टोटाली भूल अच्छी वी हैव बीन ट्राइंग लगे जोटा कि ना तो ऑप्शन आप रईट आंसर रहा 42 नंबर समस्त बुझे नहीं जा 43 नंबर आप सामने अच्छी 43 नंबर आंसर देखा चेस्टा करते बहुत बढ़िया कनसेप्ट अच्छी देखकर बुझाई चेस्टा करेंगे स्केल सहित कौन कहे स्केल सहित आप हुए लगे कौन कहे स्केल सहित हुए लगे सेमती आहरी बहुत गुड़े वार्ड अच्छे मन रखता एक्जाम आसो कौन कहे स्केल सहित आपको कौन लगे हुए लगे आउट मन रखे आउट कौन ध्यान लगे क्या सहित लगे थोड़े फाइंड आउट कर दिखाँ क्या सहित ध्यान लगे स्केल सहित आपको हुए बस ठीक अच्छे स्केल पर मन रखे आप कौन आसे मन रखे डीड आसपे कौन कहे डीड आसपे ना आपको हार्ड आसपे कौन कहे डीड आसपे ना हार्ड आसपे जब डीड के हार्ड के मन को हार्ड आसपे भर थर्ड फॉर्म जो थी तो अपने हार्ड लगे पारे और डीड पर भर फास्ट फॉर्म थी आम डीड लगे पार्बा स्केयरली द डांस टीचर एंटर्ड ये भर थर्ड फॉर्म अच्छे तो डेफिनेट आमको हार्ड लगे पड़ो तो ऑप्शन आपको कौन रही है सी राइट आंसर रही है जमा भी ए को पिक करेंगे ना समस्त बुझे स्केयरली सहित क्वेन बस गोटे कंजक्शन टाइप काम करते आप स्केयरली पर कौन आसो डीड ना आप हार्ड बस पार्बे डीड के बस डीड जो भर फास्ट फॉर्म थी सीटी आम डीड बस पार्बा आ हार्ड के बस जो भर थर्ड फॉर्म टे पाइबा समस्त बुझे नेक्स्ट जा 44 नंबर अच्छे कहते आंसर देखा चेस्टा करूँ ये इजी क्वेश्चन हिसाब से समस्त आंसर दे पारे ट्राई कले सी कहते हि जस्ट क्या नट स्लीप से सोई पारुने ओके हि स्पेंड डांस लेइंग ओके अवेक इन द बेड तो डेफिनेट से रातिटाक ऑल नाइट लगे ये होल नाइट लगे कौन कहे होल नाइट लगे ऑलरेडी कनसेप्ट आपको कहते ओके ऑल नाइट लगे ये होल नाइट लगे ये होल द स्पेलिंग एच ओएल नो डब्ल्यू एच ओ एल 44 नंबर समस्त ऑप्शन डी को चूज कर सारे नेक्स्ट जा 45 नंबर अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्टा करते नॉर्मल इजी सेंटेंस अच्छे कंडीशनल सेंटेंस कौन कहे कंडीशनल सेंटेंस एग्जाम आसो आप आंसर भी देखिए आसेंगे सी कहते अनलेस यू वर्क वर्क वेरी हार्ड आप वर्क आप करेंगे यार सफिसीयंट डेफिनेटली कौन हम आप सक्सेसफुल हो पारे ना ये यार रखी लास्ट सेंटेंस आप जिस बुझाप जो मैंने परिश्रम कर डेफिनेटली से सिलेक्शन हम से सिलेक्शन कहीं भी अटकई पारे मुझे कहीं भी अटकई पारे ना जो मैंने ये भलसे पढ़ी आस ओके अनलेस यू वर्क हार्ड यू अड हेनी बी हेनी आर हेनी आर तो कभी चान्सेस नहीं आप कंडीशनल सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट अच्छे तो आमको विल लगे पड़ो विल सहित भर फास्ट फॉर्म बस डेफिनेटली आप ऑप्शन कौन अच्छी ऑप्शन डी रही विल नॉट बी सक्सेसफुल
समस्त बुझे आप देख पाते आरसी अच्छे आरसी आप निजे पढ़ी दिखाँ आप आरसी पढ़ापी कह टाइम बर्बाद करेंगे मुझे जानते आरसी आप निजे पढ़ी दिखाँ किसी क्वेश्चन अच्छे आप क्वेश्चन भी आंसर भी इजिली देपारे द अथर यूज टू ओके क्लीनर्स ओके फर तो आप इजिली पैसेज को पढ़ी पारे पढ़ी आंसर को डिल आउट करेंगे से किसी बड़ प्रोब्लेम नुएं आप एक्जाम पैसेज क्वेश्चन बनब समस्त यार पैसेज को आराम से यार पढ़ी ने थे अपने सर पैसेज अच्छे पढ़ी पारे एक नंबर क्वेश्चन होगा देख पड़ते दुई नंबर आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी आउट देख पड़ते तीन नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट नहीं आप पढ़ी पारे ये चार नंबर क्वेश्चन ये अपने पांच नंबर क्वेश्चन सब तक पढ़ी ने केवल गोटे क्वेश्चन आंसर कह दूँ से कहे द अथर यूज टू ओके क्लीनर ओके क्लीनर जो पढ़े ओके फास्ट हूँ हरासिंग द व्हाइट ओके हरासिंग ओके ठीक अच्छे सर आप चेक करेंगे कौटी मेनसन कर वार्ड को जब फलोअप कर दूसरी तो बहुत बढ़िया कहते वार्ड फलोअप कर पार्ना ठीक अच्छे किसी वरीडा दरकार नहीं जितने मुझे आप थे यार गो थ्रू करदे भलसे देख पाते क्लीनर ओके क्लीनर लगे बट देख पाते वोड व्हाइट देख पाते लिखा है व्हाइट द व्हाइट बॉयज आउट डेफिनेट यार आंसर से बनब थे मुझे चेक करदेवी हरासमेंट ओके ऑप्शन ए ही हम थे आउ थे पढ़ी ना कौन आप व्हाइट बॉय आउट क्या कही आपके भलसे आपको पढ़ी ने मुझे इन्हें क्लीयरली पढ़ी पारे बिकज आप पैसेज थे यार पढ़ी सेन्स बुझी पाली यार कौन कौन नर्भास सेन्स देती डेफिनेट मैं लगे हरासिंग द व्हाइट बॉय आपसे सेन्स हो बाकी कौन से सेन्स ना होप सो यार समस्त बुझीगले ओके 50 क्वेश्चन आपके अवेलेबल था 45 तो मुझे करी 46 यार करी बाकी आप निजे चार्टा क्वेश्चन पैसेज होता एक्जाम जब पैसेज क्वेश्चन पहुंचे समस्त यार पैसेज पढ़ी पारे मुझे अलरेडी पढ़ी थी आपको शिखी पैसेज को कमी डिल आउट करेंगे जो मैंने देखी थे बहुत बढ़िया कथ आज जब देखी ना किसी ओरिडा दरकार पेपर जब हार्ड आस समस्त हार्ड आस पेपर जब इज टू मॉडरेट होती समस्त इज टू मॉडरेट रही है जितक आप टारगेट स्कोर करने भाई डेफिनेटली से ने तो ये आज क्लास सब तक मुझे एंड कर यूपीएससी ये सब सब तक क्लास एंड होगा तो धन्यवाद मो सहित एत दिन आप बनकर रही थोड़ा तो आउ तो किसी भाई कहीपरिनी आशा करेंगे समस्त सिलेक्शन नहीं पढ़ात ऑल द बेस्ट आपको अपकमिंग जो भी आपको एग्जाम अच्छी तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।